मधु, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ चैनल जागो। हम लोग मटवा का रास्ता से जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, तो ये रास्ता काफ़ी ख़राब है, इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, इतना ख़राब है। आप इसका भैया से पूछना चाहेंगे कि वो लोग कैसे आए हैं, चलिए देखते हैं, पूछते हैं। हाँ तो भैया नमस्ते, आप बताइए आप कैसे आए हैं? अब तो हम लोग पूरा घुटने से भी ज़्यादा पानी है, हम लोग इसी तरह दिन रात आते जाते हैं। और यहाँ की जो प्रधान है, जो यहाँ की व्यवस्था है, जो यहाँ की सरकारें हैं, इस पर कोई अमल नहीं। आज इसी रोड का बात नहीं है, पूरे विधानसभा का ये रोड का यही हाल है, पूरे जोहरा विधानसभा का यही हाल है। हाँ तो चुनाव आने वाला है, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे, किसको देंगे हम लोग को, क्या नहीं देंगे? अब तो जनता खुद तय करती है, इसलिए कि कोई अच्छे लोगों को तो लोग चुनते नहीं है। कितना जितने भी बागी आग बन के आते हैं तो उनको लोग चुनते हैं, जो अच्छा काम करने वाला उसको चुनते नहीं है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई पार्टी हो। तो आप लोगों का क्या कहना है? कहने का मतलब, यहाँ कोई शिक्षित प्रत्याशी आए और इसके बाद इस विकास के नींव को देखे, हमारे कम से कम जज्बात को समझे, तो हम उसको वोट करेंगे, उसको लाइक करेंगे। चाचा जी आ रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं, चाचा जी कैसे आ रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है? तो नमस्ते चाचा जी, तो आप बताइए आपको वहाँ से यहाँ तक आने में क्या परेशानी हुई? परेशानी तो सभी लोग देख रहे हैं कितना परेशानी है, हम लोग पानी हेल कर जाते हैं, हेल कर आते हैं। एक घंटा का काम है तो हम लोग को 2 घंटा लग रहा है यहाँ से वहाँ जाने आने में। गाड़ी वाले यहाँ आकर फंसा देते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जा रहे हैं, तमाम परेशानी है। तो अभी चुनाव आने वाला है, तो आप लोगों का कहना क्या है? अब चुनाव आएगा तब वो समय हम लोग जवाब देंगे, अभी नहीं बोलेंगे हम लोग। थैंक यू। तो आपने सुना चाचा जी ने कहा कि अब 2022 में चुनाव आने वाला है, उसमें इन लोगों का जवाब मिलेगा। मटवा जा रहे हैं तो आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ का भी रास्ता काफ़ी क्षतिग्रस्त है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जाने में। आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। आप देख चुके हैं कि हम लोग मटवा आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ का रास्ता कितना ख़राब है, मेरे वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप प्लीज़ देखिए, यहाँ पे पार्लर है, ज्योति ब्यूटी पार्लर, यहाँ पे काफ़ी बहनें आती होंगी और आपको कोई हम पूछ कर दिखाते कि भाइयों को बहनों को कितना आने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप देख रहे हैं, पानी देखिए कैसे आ रही है, कितना पानी लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कितना रोड ख़राब है, इसके बगल में एक यूनियन बैंक भी है, काफ़ी यहाँ कस्टमर लोग भी आते होंगे, यहाँ पे एक जीप स्टैंड भी है, यहाँ से एक बस भी जाती है। हालांकि यह कब तक चलेगा, काफ़ी गंदगी है, लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। यहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर भी आपको दिख रहा है, बगल में दुकानें भी हैं।